हेलो एंड वेलकम बैक टू एसएन बैडमिंटन एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है हाफ स्मैश। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारी बॉडी की पोजीशनिंग क्या होगी हाफ स्मैश खेलते टाइम। तो इसमें हमें हमेशा ये याद रखना है कि जब भी हम हाफ स्मैश खेलने जा रहे हो शॉट, तो हमको क्या करना है, शटल आ रही हो हमें शटल के हमेशा या तो नीचे रहना है या पीछे रहना है। अगर हम शटल अगर हमसे पीछे होगी या हम शटल के आगे होंगे तो फिर हम ये स्मैश को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये शॉट को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें या तो शटल के नीचे रहना एकदम, ताकि हम शटल को आराम से हिट कर सके, या शटल हमारे आगे हो नीचे, ताकि हम शटल के पीछे हो और फिर पीछे से हम आराम से उसको हिट कर सके। तो हम देखते हैं हाफ स्मैश खेलने के लिए हमारी प्रॉपर टेक्निक क्या होगी। तो टेक्निक देखने से पहले हम कुछ जनरल चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। जो हाफ स्मैश होती है, इसमें जो हमारी मैक्सिमम पावर जो जनरेट होती है वो हमारे रिस्ट से होती है। इसमें हमारी जो मैक्सिमम जो पावर आएगी वो रिस्ट से आएगी। और सेकेंड थिंग जो हमें हाफ स्मैश मारने से पहले ध्यान रखना है, हाफ स्मैश मारने के लिए हमें शटल को जितना हो सके ना उतनी ऊपर हाइट से हमें शटल को रीच करके हिट करना है। क्योंकि हाफ स्मैश का मतलब क्या है कि शटल आपकी एकदम स्टीप जानी चाहिए नीचे कोर्ट के मिड में। तो आप जितना हाइट से उसको पिक करोगे उतनी हाइट से वो उतने चांसेस ज्यादा होंगे कि वो ज्यादा नीचे स्टीप जाएगी। अब हम देखते हैं कि इसकी टेक्निक क्या है। तो टेक्निक में जब भी आप हाफ स्मैश मारने जाए, जब शटल आपके आगे हो या नीचे, आप शटल के नीचे हो बिल्कुल, शटल आपके ऊपर हो, इसमें आपका जो लेफ्ट हैंड होगा, लेफ्ट हैंड आप बिल्कुल ऊपर एकदम स्ट्रेट। सेकेंड आपका जो शोल्डर होगा, जो आपका प्लेइंग हैंड है, जैसे मैं राइट ही प्लेयर हूं तो मेरा राइट हैंड प्लेइंग हैंड है, ये वाला शोल्डर आपका नीचे होगा। जैसे आप शटल को हिट करने जाओगे ये ऊपर जाएगा, आपकी एल्बो यहां से ऊपर आएगी, शोल्डर आगे आएगा, हिप आपकी आगे जाएगी, ऐसे शटल को हिट करना है। और रिस्ट पावर मारनी है आपको, रिस्ट लगानी है, रिस्ट पावर यूज करनी है। ऊपर गए, शटल को हिट किया रिस्ट पावर से और स्विंग। एक बार ऐसे इस एंगल से देख लेते हैं, हाथ ऊपर है, ऊपर शटल हमें आई, एल्बो किया, रिस्ट पावर और स्विंग। रैकेट आपका स्विंग ऐसे नहीं होगा, कभी भी सीधा स्विंग नहीं होगा, इसमें आपका रैकेट हमेशा ये क्रॉस में जाएगा ऐसे। सिर्फ रिस्ट पावर यूज करनी है। हम ये देखते हैं कि फोरहैंड से हाफ स्मैश मारने के लिए हमारी ग्रिप कौन सी यूज होगी और ओवरहेड से हाफ स्मैश मारने के लिए हमारी कौन सी ग्रिप यूज होगी। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि फोरहैंड से हाफ स्मैश मारने के लिए हमारी ग्रिप कौन सी यूज होगी। तो फोरहैंड से हाफ स्मैश मारने के लिए हमारी नॉर्मल फोरहैंड ग्रिप यूज होगी। हमारी नॉर्मल फोरहैंड ग्रिप, जैसे ये रैकेट है, ये रैकेट है, हैंडल है, जैसे हम नॉर्मल शेक हैंड करते हैं लोगों से, नॉर्मल हम शेक हैंड करते हैं ऐसे, जैसे ये है हमने शेक हैंड किया। अब यहीं से हम इस रैकेट को ऐसे पकड़ लेंगे तो ये हो गई हमारी फोरहैंड ग्रिप। ये नॉर्मल रैकेट है, हम ऐसे शेक हैंड करते हैं, यहाँ से रैकेट, या आपको हमें ये याद रखना है कि यहाँ पे हमारा थंब के बीच में और फिंगर के बीच में यहाँ पे हमारा वी बनना चाहिए। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे पकड़ लेंगे तो ये हो गई हमारी फोर हैंड ग्रिप।
तो अब हम देखते हैं ओवर हेड से हाफ स्मैश मारने के लिए हमारी क्या ग्रिप यूज होगी। तो इसमें हमारी ग्रिप तो हमारी सेम रहती है, पर इसमें हमारी थोड़ी रिस्ट मूवमेंट चेंज हो जाती है। जैसे हम देखते हैं, जैसे आप फोर हैंड से शॉट मारते हैं, फोर हैंड से हमने नॉर्मल रैकेट पकड़ा है, ये हम ऐसे फोर हैंड से शॉट मार रहे हैं, ऐसे हम मारेंगे या तो सीधा शॉट मारेंगे या क्रॉस मारेंगे। पर जब हम, अगर आप नोटिस करेंगे कभी खुद से, अगर आप यही सेम ग्रिप को ओवर हेड पर लेके आएंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो रैकेट का फेस है वो डाउन की तरफ फेस हो जाएगा, इसका ऐसे हो जाएगा। ये नॉर्मल रैकेट है, अब इसी ग्रिप को मैं यहाँ ले आऊँगा तो मेरा फेस ही हो गया, अब इसको मैं ओवर हेड को घुमाऊंगा रैकेट तो मेरी शक्ल नीचे को चली जाएगी, सामने नहीं जाएगी, कई बार आप खुद नोटिस करें तो सीधी आएगी। तो ओवर हेड से हमें स्मैश मारने के लिए क्या करना है, ये हमारी नॉर्मल फोर हैंड ग्रिप है, इसको रिस्ट को हमें थोड़ा ऊपर को ऐसे कर देना है, रोटेट ऊपर को खोल देना ताकि हमारे रैकेट का फ्रेम ओपन हो जाए। तो यहाँ से अब हम शटल को मारेंगे और रैकेट को स्विंग करेंगे तो हमारा रैकेट सीधा जाएगा। पर अगर आप नोटिस करें, अगर ये अब यही सेम रिस्ट पोजीशन के साथ अगर हम रैकेट को लेके फोर हैंड साइड पे आ जाए तो आप ये नोटिस करेंगे कि जो हमारे रैकेट का फ्रेम है वो बाहर की तरफ को ओपन हो गया है। तो अगर यही सेम किस रिस्ट मूवमेंट के साथ अगर आप फोर हैंड से शॉट मारेंगे तो आपका शॉट हमेशा कोर्ट के बाहर जाएगा, इसलिए फोर हैंड से हमारा जो नॉर्मल ग्रिप होती है आप वैसे शॉट मारते हैं। ओवर हेड पे आने के बाद हमारी जो रिस्ट मूवमेंट होती है वो रिस्ट को हमको थोड़ा सा ऊपर को ओपन करना होता है ताकि हमारे रैकेट का फ्रेम ओपन हो जाए और हम शटल को आराम से स्ट्रेट मार सके। अगर हम सेम रिस्ट मूवमेंट के साथ रैकेट को स्विंग करेंगे तो आप देख रहे हैं रैकेट का फ्रेम नीचे डाउन की कोर्ट की तरफ फेस कर रहा है, इसको हम स्विंग करेंगे तो शटल नीचे को जाएगी, इसलिए हमें रिस्ट को इसमें ओपन करना ताकि हमें शटल ऊपर जाए। तो आज का हमारा हाफ स्मैश का टॉपिक यहीं एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी क्वेरीज बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट। और अगर आपको हमारे चैनल से रिलेटेड कोई भी बिहाइंड द सीन या हमारे अकेडमी से रिलेटेड कोई भी ट्रेनिंग वीडियोज़ देखनी हो तो नीचे दिए गए इंस्टाग्राम हैंडल पर हमें ज़रूर फॉलो करें। थैंक्स।